हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डिजिटल प्लस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो मेरी सुबह की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे। उसके बाद मैंने पूजा कर ली है और घर का थोड़ा सा काम कर लिया है, क्योंकि मैं सुबह सुबह कोई ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है और जब मैं पढ़ाई से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद में मैं काम करती हूँ। कल की वीडियो मैंने आपको कहा भी था कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं काम से फ्री होकर पढ़ाई करूँगी। नहीं, आप ये सोचिए कि मैं पढ़ाई करके जब मैं फ्री होंगी तब मैं कोई और काम करूँगी। सो उस आप इस रूल को अपनाते हो ना, तो उस वजह से फिर आना आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से टाइम दे पाते हो। अभी मैं कर रही हूँ गांधी जी वाला टॉपिक। कल भी मैंने आधा से छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी लेंथी था और एक दिन में नहीं हो पाता। बस मैं आज इसे कंप्लीट कर दूँगी। और आज है मेरे चैलेंजेस का 28th डे और मुझे मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जो 30 डेज का चैलेंज लिया था वो मेरा कम्प्लीट होने जा रहा है। और अभी तक मेरा जो हर दिन है वो उस चैलेंज के अकॉर्डिंग ही चला है, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया था ना, उस टाइम मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी क्या। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप भी ऐसी कोशिश ज़रूर करिए। और जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में आपको जाना है उसके लिए चैलेंजेस लीजिए और देखिएगा। एक दो दिन आपको हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप ईमानदार से अपने चैलेंजेस के रूल्स को फॉलो करोगे ना, तो वाकई में आप अपना चैलेंजेस पूरा कर दोगे। तो अभी बस 2 दिन और बचे हैं और इस बीच रक्षाबंधन भी आ जाएगी। तो रक्षाबंधन के दिन आपको भी पता है मतलब एंजॉय भी करना होता है और उस दिन काम भी होता है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ मतलब मैं कैसे इसे कम्प्लीट करती हूँ। हो सकेगा मैं तो सुबह और ज़्यादा जल्दी उठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं अपना जो स्टडी रूटीन है वो मैं नहीं छोड़ सकती। कोशिश यही करूँगी कि बस ये 2 दिन और मेरा चैलेंजेस ना अच्छे से पूरा हो जाए। और देखिए, जब हम ना किसी भी चीज़ को ना मतलब अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है या फिर आपको किसी भी चीज़ की आदत डालनी है ना आपके माइंड को, तो आपको 21 डे तक तो आपको करना ही होगा। जब आप 21 डे तक कर लेते हो ना कोई भी काम, फिर आपकी बॉडी को और आपकी माइंड दोनों को उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अपने माइंड और बॉडी को डायरेक्शन नहीं देने पड़ेंगे, वो खुद आपको डायरेक्शन देंगे कि अरे इस वक्त ये काम करना है। बस वैसे ही मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ये डायरेक्शन दिया था। शुरू में तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन 2 वीक के बाद में मुझे ना आराम से हर चीज़ की आदत हो गई। और जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना, मैं आराम से उठ जाती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और अब मेरे माइंड को पता है कि हाँ इस टाइम तक ये काम करना है। और घर का काम भी मैं अब जल्दी जल्दी करने लग गई। और बस ये होता है कि बस फटाफट से ये कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्लॉट की तैयारी करते हैं, क्योंकि मुझे पहले क्लास लेनी पड़ती है और फिर मैं उसको लिखती हूँ, फिर मैं उसे रिवाइज करती हूँ। बस आप भी ना कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार आप हफ्ते भर का भी चैलेंज लेके देखिए। जब आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि शुरू में ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाले आप शेड्यूल मत बनाओ, आप शॉर्ट टर्म वाले शेड्यूल्स बनाओ। जब शॉर्ट टर्म में बनाओगे ना आप, तब आपके लॉन्ग टर्म वाले भी पूरे होने लग जाएंगे। इससे पहले आप हफ्ते भर का करिए, उसके बाद में 2 वीक का, फिर 3 वीक का, फिर 4 वीक का, ऐसे करिए आप। लेकिन आप चैलेंजेस जरूर ले अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ के लिए ले, लेकिन ले जरूर। अभी और इंग्लिश का लास्ट स्लॉट और इंग्लिश लिटरेचर में जो मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं उसमें अभी पेडागोजी करी, उसके बाद मैं लिटरेचर पे आऊँगी। लिटरेचर में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के बताऊंगी कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो जिसका भी TGT और PGT में स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो वो प्लीज़ कंटिन्यू जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।